बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में हर दिन एक विस्फोट और भारी बमबारी देखी जा रही है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्ला शांत नहीं बैठा है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे से बदला लेने के लिए दोनों देश युद्ध के उस चरम स्तर पर पहुंच गए हैं जहां से अब शांति का नामो निशान नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना हो या प्रतिरोध के लड़ाके हो या फिर आम जनता, सभी इस मौत के दलदल में समा रहे हैं। फिर भी इजरायली सेना और लेबनान में छिपे हिजबुल्ला लड़ाकों के एक दूसरे पर हवाई ताकत दिखाने में जुटे हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो पिछले 24 घंटों में लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या लगभग 37 हो गई है, जबकि घायल होने वालों की संख्या 150 से अधिक पहुंच गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लड़ाके देर रात तक इजरायली जमीनी बलों से भिड़ते रहे। बीते 4 अक्टूबर की रात को हिजबुल्ला लड़ाकों ने इजरायली जमीनी सेना पर नजर रखी। दावा है कि इजरायली सेना सीमा से जुड़े ओडेशा शहर में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। लड़ाकों ने सेना पर घात लगाकर हमला किया और इसके बाद इलाके में झड़प शुरू हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान कम से कम 9 इजरायली अधिकारियों और सैनिकों की हत्या हुई। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी के दौरान ही इजरायली सैनिकों के बीच एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हो गए, जबकि बचे हुए सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 अक्टूबर की सुबह डिसाह शहर में फिर से घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम दिया गया। युवल बस्ती के पास इजरायली सैनिकों का एक समूह प्रतिरोध की ओर से लॉन्च रॉकेट हमले की चपेट में आया। इससे बस्ती में सायरन बजने लगे। IDF का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में 4 दिनों तक चली उनकी कार्रवाई में हिजबुल्ला के 20 कमांडर समेत 250 लड़ाके ढेर हुए। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने कफर गिलादी बस्ती में इजरायली सेना के एक समूह पर भी गोलीबारी की, जो कि लेबनान के कफर किला और ओडेशा शहरों के सामने अल जलील पैन हैंडल के पास है। सीमा के पास वाले शहर यारून के बाहरी इलाके में लड़ाकों ने इजरायली सेना की टुकड़ियों पर रॉकेटों की बौछार से निशाना बनाया गया। प्रतिरोध ने खुलासा किया कि घात लगाकर किए गए हमलों में 20 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए और घायल हुए। हालांकि इजरायली सेना और मीडिया ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर हमास ने इस बात की पुष्टि की है कि उत्तरी लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के शिविर पर इजरायल ने ड्रोन से हमला किया जिसमें उसका एक सैन्य अधिकारी और उसका परिवार मारा गया। सईद अताअल्लाह अली अल कसम ब्रिगेड का नेता था। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने कहा कि इजरायल कभी भी हिजबुल्ला और हमास पर जीत नहीं दर्ज कर सकेगा। शुक्रवार की नमाज के दौरान एक संबोधन में खामेनेई ने ईरान के हमलों को कानूनी तौर पर सही बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल का सामना करने में न ही कोई संकोच करेगा और न ही जल्दबाजी करेगा।